तो जो हमारे अंग दाता है वही परेशान है, उस अंग को हम खाएं कैसे। आज किसान आंदोलन को लेकर के महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो गांधी मैदान गेट नंबर 4 के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ है एक नेता, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं। जी मैम, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसान के पक्ष में हम लोग को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारे किसान भी सड़क पर हैं और सरकार की ये दमनकारी नीति की वजह से उन्होंने गेट सारा बंद कर दिया है। मैं तो गेट तड़पने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया कि मैडम ऐसा मत कीजिए। जो सरकार को बाढ़ और सुखाड़ की मार झेलनी पड़ती है वो आज सड़कों पर पानी की बौछार की मार झेल रही है। सरकार ऐसी नीति बना दी है कि खेत की जगह सड़क पे आ गए किसान। ये दुर्भाग्य है देश का। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और तब किसानों के साथ ऐसी बदतर स्थिति की जा रही है। डॉक्टर अनीता, आपको क्या लगता है किसान की मांगों को जो है वो पूरी की जाएगी? क्या किसान को जो है सफलता मिलेगी जिस तरह से डटे हुए देश के? बिल्कुल बिल्कुल सफलता मिलेगी। देखिए मेरे कोटेशन में भी है, हमारी कहीं हमारे बगैर कहीं जय नहीं होती और किसानों की कभी पराजय नहीं होती, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। आज हम सारे पूरे देश का, वर्ल्ड का अगर पेट भर रहा है तो वो किसान बंधु की वजह का। आज देश सुरक्षित है तो जवान की वजह है, इसलिए नारा है जय जवान जय किसान। आपने ये कोटेशन खुद लिखा, हमारे बिना किसी पराजय नहीं होती। जी, आपने खुद से लिखा है। जी, झंडा नीचे कीजिए भैया। आपका जो सहयोग है, आज फर्स्ट महागठबंधन की जो पार्टी है वो आई है यहाँ पे, तो इतना देर क्यों हो गया मैम? 9-10 दिन बीत चुके हैं फिर? नहीं, हम लोग नहीं, देखिए देर नहीं हुआ है। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि शायद आज सरकार किसानों को उनके घर भेज दे। किसान हल और फार से खेलते हैं, सड़कों पे नहीं खेलते हैं, है ना? तो हम लोग इंतजार कर रहे थे लेकिन सरकार रोज वार्तालाप कर करके तबाह कर दी है। तो जो हमारे अन्न दाता है वही परेशान है, उस अन्न को हम खाएं कैसे? तब महागठबंधन ने विचार किया विमर्श, क्योंकि आंदोलन करना बहुत आसान चीज नहीं होता है। आंदोलन करने के पहले पूरी बैठक होती है, विचार हुआ कि नहीं अब हमें सड़क पर आनी चाहिए। हम लोग मैदान में गान बापू जी के पास करने के लिए थे लेकिन सारे गेट को सरकार ने बंद कर दिया, बिहार सरकार ने, और हम लोग को सड़क पर बैठना पड़ा। किसान नेता गुरनाम सिंह जो है उन्होंने एकदम ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार जो हमारी ये 3 कानून बनाए हैं किसानों के लिए अगर उसको रद्द नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, तो हम 8 तारीख को भारत बंद करेंगे। इसमें महागठबंधन का क्या रोल? पूरा एकदम साथ है महागठबंधन, कहीं भी पीछे नहीं हटने वाली है बिल्कुल। जब किसान के लिए आज हम आ गए सड़क पे तो किसान के हर नीति के लिए हम उनके साथ हैं।